अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज आपको सुपर क्रिस्पी चिकन कटलेट्स बना सिखा रही हूँ न्यू स्टाइल में। प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को मायो फिलिंग के साथ चिकन कटलेट्स बना सिखा चुकी हूँ, बट आज का थोड़ा देसी टच विथ मायो फिलिंग और सुपर क्रिस्पी ऊपर कवर। तो आज की वीडियो देखें और बताएँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं चिकन की यहाँ पे मैरिनेशन। और चिकन मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स यहाँ पे बोनलेस चिकन लिए हैं मैंने, और साथ चाहिए हमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुछ स्पाइसेस चाहिए 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को हम चिकन में मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए एटलीस्ट जो है आपने रेस्ट देना है, मैरिनेशन टाइम देना है अच्छे से। क्या होता है, ये सारे जो मसाले हैं चिकन में अपना फ्लेवर इन्हेंस कर देते हैं, और मैरिनेशन के बाद चिकन जो है जूसी और सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसे कुक करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में आपने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना है, और इसमें हम चिकन को ऐड कर देते हैं। आपने इस स्टाइल के चिकन कटलेट्स कभी नहीं ट्राई किए होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को चाइनीज़ स्टाइल में चिकन कटलेट्स बना सिखा चुकी हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। अच्छा, तो आपने इसको जो है हल्का सा पहले फ्राई किया, देन आपने इसको ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया, ताकि अच्छे से बिल्कुल जो है चिकन अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैरिनेटेड चिकन को जब हम डालकर ढक देते हैं तो वो पानी छोड़ देती है चिकन, और चिकन अपने ही पानी में बहुत ईजीली गल जाती है। अब यहाँ देखें मैंने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से ही तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे, बिल्कुल लो, ठीक है। इसमें आलू को हम ऐड कर देंगे, और आलू को भी हम इसी में जो है मसाले के ऊपर ही इस तरह से मैश कर लेंगे, ठीक है। जितना आपसे मैश हो सकता है आप इसमें मैश कर लें, बाकी हम जो है इसको ठंडा करके फुल जो है फिनिश लुक देंगे। पैन में आलू को मिक्स करने से क्या होता है कि सारा मसाला चिकन का जो है आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसके साथ जो हमें चीज़ें ऐड करनी है वो नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने लिए एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप की हुई भी, यानी कि समझे 4 टेबल स्पून जितनी में प्याज है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, 1 टेबल स्पून या 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, वैसे चिकन भी बहुत चटपटी थी तो हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा अगर बच्चे हैं तो, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिए मायोनीज़ हम अकॉर्डिंग टू अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, क्योंकि हम जो है जब उसके अंदर सेंटर में फिल करेंगे तो हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया मिक्सर हमारा, अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे हाथों को धोकर अच्छे से मैश कर लेना है इसे। और जो चिकन के थोड़े बड़े पीसेस थे उसको भी आपने हाथों से ही छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। अच्छा, अब देख लें हमें क्या चाहिए इसकी फिलिंग के लिए। यहाँ पे मैंने कोटिंग के लिए सेवैयाँ ली हैं, एग लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सेवैयों से क्या होता है, बहुत ही ऊपर क्रिस्पी और क्रंची सा एक टेक्सचर आता है, और ब्रेड क्रम्स भी मैं थोड़ा सा क्रंच वाला यूज़ करती हूँ जिसमें थोड़ा चंकी पीसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका बनाने का मेथड क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले आपने आलू और चिकन की फिलिंग उठानी है, जिस तरह हम टिकिया बनाते हैं इस तरह से हाथों पे रखना है हथेली के साइज़ पे, ठीक है। इसके सेंटर में आपने मायोनीज़ इस तरह से उठानी है और रखना है। बहुत हल्के हाथों से आपने दोनों साइडों से इसको फोल्ड करना है और इसकी एजेस को बंद करना है। ये सारा काम आपने बहुत हल्के हाथों से करना है, यानी कि आपने जो साइड को फ्लिप किया उठाया आपने सिर्फ उसको दबाया, सेंटर से आपने हाथ बिल्कुल नहीं दबाना क्योंकि सेंटर में आपने मायोनीज़ रखी हुई है, और हल्के ही हाथ से आपने इसको दबाते हुए हल्के हाथों से शेप देना है। 1 से 2 दफ़ा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ईजीली इसको बना लेंगे। अच्छा, अगर आपको मायोनीज़ की जगह इसमें चीज़ की फिलिंग करनी हो तो मायोनीज़ की जगह आप चीज़ को रिप्लेस कर लीजिएगा। अब हम इसे एग में डिप करेंगे। सबसे पहली कोटिंग हम इसमें ब्रेड क्रम्स की करेंगे। इस तरह की चीज़ों में दोनों हाथों को मस्ट आपको इस्तेमाल करना होता है, यानी कि एक हाथ से आपने
जो है एग में डिप किया और दूसरे हाथ से आप ड्राई इंग्रेडिएंट को डिप करें ताकि आपकी जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एग का मिक्सचर ना लगे। अच्छा, आपने ब्रेड क्रम्ब को थोड़ा सा हाथों में उठाकर इस तरह से दबाना है, इनकी जो आपके पास ब्रेड क्रम्ब है वो थोड़ा सा अच्छे से लग जाना चाहिए आलू के चारों तरफ, झड़ती हुई हालत में नहीं हो। देन आपने दोबारा एग में डिप किया, अब हम इसको उठाकर अब इसके ऊपर कवर करेंगे सेवैयाँ। ये नॉर्मली सेवैयाँ जो हम दूध सेवई और ज़रदा सेवई में यूज़ करते हैं वो सेवैयाँ हैं। हमने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, रोस्ट वगैरह या कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल सेवैयाँ ली हैं। उसको थोड़ा सा अच्छे से आपने क्रश कर लेना है ताकि वो थोड़ी सी अच्छी साइज़ की छोटी छोटी हो जाए। अच्छा, सेवैयों को भी इसके ऊपर लगाने के बाद आपने हाथ से थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि सेवैयाँ जो है अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएँ। ऐसा ना हो कि एक्सेस सेवैयाँ जो है फिर फ्राई करते हुए तेल में आपके गिर जाएँ, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हाथों से दोबारा सेट कर लें। यहाँ मैंने सेवैयाँ वाली और ब्रेड क्रम वाली दोनों बना ली हैं। अगर आप ब्रेड क्रम की सिर्फ बनाएं तो ब्रेड क्रम की भी आपने दो कोटिंग करनी है, और अगर सिर्फ आप सेवैयों की बनाएं तो फर्स्ट आपने ब्रेड कवर करना है, देन आपने सेवैयों की कवरिंग करनी है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। पहले तेल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे, देन इसमें हम डालेंगे। मेरी जो है एक वीडियो क्लिप मिस हो गई, सॉरी फॉर देट, और मैं आपको अब दिखा देती हूँ सेकंड क्लिप बनने कि मैं अब ब्रेड क्रम वाला किस तरह फ्राई कर रही हूँ। तेल आपने गर्म ही रखना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक्ड हैं, कोई भी आप अनकुक चीज़ नहीं है, तो जस्ट आपने कलर के लिए फ्राई करना है। और ये देखें, सेवैयों वाली बहुत ही पर्सनली मुझे पसंद आई थी क्योंकि वो ऊपर से सुपर क्रिस्पी टेस्ट दे रही थी, और इस तरह के स्नैक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो ऊपर से क्रंची से क्रिस्पी से और अंदर से मायो फिलिंग के साथ जो इसका एक देसी टच आता है बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सेवैयों से ज़रूर क्योंकि ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर घर में ब्रेड क्रम्स वाले कटलेट्स तो बनते ही हैं, बट सेवैयों वाले इस दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।